हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की ये वीडियो एनआईओएस के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग अप्रैल 2022 में फाइनली अपने एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं। लेकिन अभी स्टूडेंट्स के बीच में खलबली मची हुई है, उनको ये टेंशन है कि उनके एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे या फिर एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। दोस्तों, सोच बिल्कुल ठीक है, एकदम सही सोच रहे हैं आप, और जो आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूं, और इसको लेकर हम आपको कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपके मोबाइल फोन पर मिलती रहे और मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करने पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट खबर कि आप लोगों के एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, या फिर एक नई चीज आ गई हाइब्रिड मोड। ये हाइब्रिड मोड क्या होता है, कई स्टूडेंट्स को तो इसके बारे में मालूम भी नहीं है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली एनआईओएस बोर्ड कंफ्यूज क्यों है, और एनआईओएस बोर्ड ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला एग्जामिनेशन को लेकर, और एनआईओएस बोर्ड के अंदर चल क्या रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एनआईओएस एग्जाम अप्रैल 2022 ऑनलाइन होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर बात चल रही है। एनआईओएस बोर्ड इज इन बिग ट्रबल। यस दोस्तों, एनआईओएस बोर्ड इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, एंड एनआईओएस बोर्ड इज अनेबल टू टेक द डिसीजन वेदर इट इज गोइंग टू टेक योर एग्जाम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। अब मैं आपको बता दूं यहां पर कि ओमिक्रोन की सिचुएशन जो आप देख पा रहे हैं, ओमिक्रोन का जो माहौल बना पड़ा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इवन इंडिया से बाहर भी, तो बहुत ज़्यादा घातक ये ओमिक्रोन जो वेरिएंट है, ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिससे हर जगह पर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इवन कि आप लोगों को पता होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर फाइनली लॉकडाउन लग चुका है, यानी कि पूरे भारत के कुछ राज्यों में धीरे धीरे कंप्लीट लॉकडाउन लगने की तैयारी हो चुकी है। इवन कि दिल्ली के अंदर भी माहौल बन चुके हैं, सारे स्कूल्स बंद, सारे कॉलेजेस बंद, यानी कि अब कभी भी किसी भी टाइम लॉकडाउन लग सकता है। मैं हर वीडियो में आपको बता रहा था कि लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, तो फाइनली पूरे भारत के कुछ राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है और कई राज्यों में लगने वाला है। ऐसी कंडीशन के अंदर एनआईओएस बोर्ड क्या करेगा, आप लोगों को क्या बाहर बुलाएगा एग्जाम देने के लिए? आप खुद सोचिए, आप खुद समझदार हैं तो आप समझिए बात को, कि यानी कि आप लोगों के एग्जाम जो है वो किसी भी कीमत पर ऑफलाइन नहीं होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल सेशन के 2022 के एग्जाम्स ऑफलाइन तो नहीं होंगे। तो ऑफलाइन अगर नहीं होंगे तो क्या एग्जाम्स को ऑनलाइन लिया जाएगा? अब यहां पर ऑनलाइन की सिचुएशन क्या है, मैं आपको वो बता देता हूं। ऑनलाइन की सिचुएशन ये होती है कि ऑनलाइन की कंडीशन के अंदर बच्चे को अपने घर पे, अपने लैपटॉप पे बैठ के या अपने मोबाइल पे बैठ के फुल नेटवर्क या वाईफाई चाहिए, और तभी वो अपने एग्जाम में अपियर हो पाएगा। इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एनआईओएस बोर्ड को आ रही है, इसके लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाना पड़ता है, बहुत बड़ी टेक्निक लगानी होती है, बहुत आईटी के जो हैं रिसर्चर्स सही होते हैं, आईटी के पूरे जो देख रेख करते हैं उसको, जो टेक्नोलॉजी को संभालते हैं, वो सारे लोग वहां पे अवेलेबल होने चाहिए एट द टाइम व्हेन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एग्जाम्स दे रहे हों। ऐसी कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स को अपने नेटवर्क को बिल्कुल सटीक रखना होता है, यानी कि अपने मोबाइल पे अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, तो उस टाइम पर आपका नेटवर्क बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। आप अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई की लाइट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी होती है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और अचानक बत्ती चली जाती है, या फिर आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, यानी कि आपका कैमरा ऑन नहीं होता और वो कैमरा 2 मिनट से ज़्यादा देर तक ऑन हो जाता है, तो 5 नंबर काट लिए जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस, ऐसी ऐसी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस इंडिया में होते रहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं कि एनआईओएस बोर्ड को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 5.5 लाख 5.77 लाख स्टूडेंट्स जो अभी तक एडमिशन ले चुके थे अप्रैल सेशन के लिए, वो सारे बच्चे एक साथ जब अपने एग्जाम देने के लिए अपियर होंगे, तो इतने सारे बच्चों को संभालना, वो भी ऑनलाइन मोड पे, एनआईओएस बोर्ड के लिए ये जिंदगी में पहली बार एनआईओएस बोर्ड कर रहा है। तो एनआईओएस बोर्ड के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इस पर बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी चल रही हैं एनआईओएस बोर्ड के अंदर, कि आखिर ऑनलाइन एग्जाम्स हम लेंगे कैसे। तो एक बात मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल है आप लोगों के लिए। अगर आप टीएमए मिस कर रहे हैं तो टीएमए मिस मत करना, टीएमए आपको एट एनी कॉस्ट सबमिट करने हैं, क्योंकि एनआईओएस बोर्ड के लिए ऑनलाइन एग्जाम लेना भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। एनआईओएस बोर्ड के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना, अगर ये लेना बहुत आसान होता तो एनआईओएस बोर्ड अब तक नोटिफिकेशन डाल चुका होता कि सभी बच्चों के एग्जाम्स ऑनलाइन होने हैं। दूसरी तरफ मैं बात लेके चलूँ तो हर एक स्टूडेंट का एक हक बनता है कि एनआईओएस बोर्ड अपना फर्ज निभाए और पहले से ही बच्चों को बता के रखे कि वो इस बार एग्जाम्स ऑनलाइन लेने वाला है या फिर वो हाइब्रिड मोड पे लेगा। एक नई कंडीशन निकल के आ गई हाइब्रिड मोड। ये हाइब्रिड मोड होता क्या है, मैं आपको दोस्तों बताता हूँ व्हाट इज हाइब्रिड मोड एग्जाम। इसको लेकर हमारी 4 जनवरी को एक मीटिंग होने वाली है,
NIOS बोर्ड के अंदर, जो कि कल हम NIOS बोर्ड में जाएंगे और वहां पे कुछ सवाल रखने वाले हैं बच्चों के, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला NIOS बोर्ड ना तो अपने रिजल्ट टाइम पे दे सकता है, NIOS बोर्ड कभी भी बच्चों को पढ़ाई भी टाइम से नहीं दे पा रहा, रिजल्ट टाइम से नहीं दे पा रहा, काफी बुक्स बच्चों के पास टाइम से नहीं पहुंच पाती। तो NIOS बोर्ड के अंदर बच्चों को देखने को मिलती है नेगेटिविटी, तो बच्चों को ये बिलीव ही नहीं हो रहा कि NIOS बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम्स भी ले पाएगा, और अगर NIOS बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पाया तो इसके चलते क्या बच्चे फेल हो जाएंगे या फिर बच्चों को ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा? भैया प्रमोट ना किया जाए, इसी को लेकर ही तो ऑनलाइन मोड पे आए हैं, और ऑनलाइन आपके टीएमए सबमिट किए जा रहे हैं वो इसीलिए ही किए जा रहे हैं ताकि अगर आगे जाके प्रमोशन को लेकर कोई बात खड़ी हो तो जो बच्चे अपने टीएमए सबमिट कर चुके हों उनको उनके टीएमए के और प्रैक्टिकल ऑनलाइन के आधार पर ही आप लोगों का रिजल्ट बना दिया जाए, क्योंकि मजबूरी में ऐसा करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत में तो एक कहावत है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसलिए आप अपने टीएमए मिस मत कीजिएगा, प्रैक्टिकल्स भी आपके ऑनलाइन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो ये NIOS बोर्ड के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे जिन देहाती जगह पर जहां पर बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, बच्चों के पास महंगे मोबाइल नहीं है, वो बच्चे अपने एग्जाम्स में कैसे अपीयर होंगे? तो उसके लिए हाइब्रिड मोड बनाया जा रहा है। ये हाइब्रिड मोड के अंदर एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर बच्चे चाहें तो ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकते हैं, ऑफलाइन भी एग्जाम दे सकते हैं, और इसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो में बनाने वाला हूं 4 तारीख के बाद, यानी कि 5 या 6 तारीख को मेरी एक वीडियो लॉन्च होगी जिसमें मैं हाइब्रिड मोड के बारे में पूरा आपको बता दूंगा, क्योंकि NIOS बोर्ड के अंदर इस वक्त हाइब्रिड मोड एग्जाम्स के बारे में बात चल रही है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना यूट्यूब पर जो NIOS बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन कैंसिल, पहली बार मेरी वीडियो में एक और वर्ड मैंने जोड़ा है हाइब्रिड मोड, किसी को भी नहीं मालूम इसके बारे में ये हाइब्रिड मोड होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने जब NIOS हेडक्वार्टर्स में बात की थी तो वहां पे उन्होंने बताया था कि हाइब्रिड मोड पे एग्जाम्स लिए जाते हैं, हालांकि ज्यादा बात नहीं हो पाई, फोन काट दिया उन्होंने। जब मैंने ऑनलाइन ये चेक करा, अपने गूगल पे सर्च करा, तो पता चला हाइब्रिड मोड पे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे को मर्जी होती है, वो चाहे तो ऑफलाइन दे सकता है और चाहे तो वो ऑनलाइन भी अपने घर बैठ के एग्जाम दे सकता है। तो जिसके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो क्या करेगा, वो बाहर जाएगा पेपर देने के लिए। तो हाइब्रिड मोड पर एग्जाम्स आखिर होंगे कैसे? तो ये तमाम ये जो ऊपर के 3 क्वेश्चन है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ बिग ट्रबल फॉर NIOS बोर्ड टू टेक डिसीजन वेदर NIOS बोर्ड इज गोइंग टू टेक योर एग्जाम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन और मे बी हाइब्रिड मोड। तो यहां पर ये सिचुएशन बनी हुई है कि अभी तक किसी को कोई पता नहीं है, और इसके बारे में पूरी जानकारी 4 जनवरी को हमारी मीटिंग के बाद हम आपको बताएंगे कि NIOS बोर्ड आखिर क्या डिसीजन लेने वाला है और आप लोगों के लिए क्या नई ऐसी स्ट्रेटजी बनने वाली है NIOS बोर्ड की तरफ से ताकि आप अपने एग्जाम्स में आसानी से अपीयर हो पाए, राइट? यहां पर ये बात मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट बुलेटिन वीडियो। नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो नहीं बनेगी, बुलेटिन वीडियो बनने वाली है जिसमें मैं सब कुछ आपको क्लियर बता दूंगा कि आपके एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं, एग्जाम्स में क्या क्या स्ट्रेटेजी प्ले करने वाली है, ऑनलाइन हुआ तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, सारे इंस्ट्रक्शंस बता दूंगा। और ये एक वीडियो में नहीं होगा, इसमें कम से कम लगातार 10 या 12 वीडियोज मेरे को बनानी पड़ेंगी, क्योंकि सोच के देखिए जब इस डिसीजन को NIOS बोर्ड लेने में इतना टाइम ले रहा है तो मैं एक 10-12 मिनट की वीडियो में आपको ये सब कैसे समझा सकता हूं। तो इसके लिए मुझे वीडियो आफ्टर वीडियो बनानी पड़ेगी और आप लोगों को हर वीडियो बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी अगर आप सच में चाहते हैं कि आप इसी साल अप्रैल 2022 में अच्छे नंबर से पास हो जाएं, राइट? तो यहां पर मैंने आपको इतना बता दिया। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अगर सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, हाइब्रिड मोड पे भी गया तो भी ऑनलाइन ही जा रहा है एक तरह से, और इन दोनों कंडीशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए ऑनलाइन के बारे में पता, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होते हैं, ऑनलाइन में पेपर कैसे दिए जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती है। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बता दूं, ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस जिसका मात्र प्राइस है ₹699। ये आपको पे करना है सिर्फ एक बार, और अप्रैल तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, उसके बाद मई जून में जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, हम आपको पूरा टेक केयर करते हैं। हर एक सब्जेक्ट्स की क्लासेस अवेलेबल हैं, आपको फ्री में PDFs भी मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ऑनलाइन किस तरह से जो है आपको एग्जाम्स में अपीयर होना है ये सारी जानकारी आपको मिलती है मात्र ₹699 के अंदर। तो दोस्तों ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत मुझे मैसेज कर सकते हैं और तुरंत ज्वाइन कर लीजिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं अगर एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं तो। लैपटॉप है तो लैपटॉप में कैसे क्लासेस लेंगे, मोबाइल पे तो किस तरह से लेंगे, क्योंकि मैं अपने आने वाली जो भी हमारी स्टूडेंट्स है जो हमारे एडमिशन ले चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, उसमें हम बच्चों को हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे ट्रेनर्स कि किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाते हैं और किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स दिए जाते हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स में वो क्या तरीका होता है जिससे बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के बहुत बड़े रूल्स अगर NIOS बोर्ड के लिए चुनौती है तो बच्चों के लिए भी होती है, क्योंकि जब ऑनलाइन आप एग्जाम देते हो और आपका लैपटॉप आपके सामने होता है तो आपको अपना कैमरा ऑन रखना होता है,
कैमरा अगर ऑन नहीं हुआ या वो अगर दो या तीन मिनट के लिए ऑफ हो गया तो आपके पांच नंबर कट कर लिए जाते हैं। ये सब कुछ होता है हाइब्रिड मोड एग्जाम्स के अंदर, जिसके बारे में एनआईएस बोर्ड ने अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन बहुत जल्द एनआईएस बोर्ड नोटिफिकेशन देने वाला है। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको बताने वाले अपनी आगामी सभी वीडियोस के अंदर। इसलिए आप चैनल को पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि किसी भी यूट्यूब के एनआईएस जो एनआईएस को रिलेटेड वीडियो बनाते हैं किसी भी यूट्यूब पर अभी तक ऐसा इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दिया जो हाइब्रिड मोड के बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। सभी बच्चों को इतला कर दो, सभी बच्चों को बता दो आने वाली सारी वीडियोस बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बुलेटिन वीडियोस बनने वाली हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप हमारी ऑनलाइन क्लास में आइए, और ऑनलाइन क्लासेस क्या होती है, एग्जाम्स कैसे होते हैं, सारी जानकारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। अगली वीडियो मिस मत करना।